नए सड़क दुर्घटना कानून के विरुद्ध में साल 2024 के पहले दिन है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चक्का जाम दिखा। कानून के विरुद्ध में रोडवेज और निजी वाहन चालक जगह जगह प्रदर्शन करते दिखे। इस हड़ताल से सब यात्रियों को परेशानियां बढ़ गई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। वहीं जो वाहन रोड पे चल रही है वह दोगुने दाम मांग रहे हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध तो पूरे देश में हो रहा है, पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो तस्वीर सामने आई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहन चालकों में कितना आक्रोश है। तस्वीर बस्ती, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, आगरा और गोरखपुर से सामने आई है। बात करें बस्ती की तो रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोगों को वहां से जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। पूरी तरह से वाहन व्यवस्था ठप दिखाई दे रही है। ऐसी तस्वीर बुलंदशहर से भी सामने आई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही ट्रक और वाहन खड़ी कर सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दिए हैं और नाराबाजी भी कर रहे हैं। सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है, साथ ही सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कानपुर और गोरखपुर से भी हड़ताल कर रहे ड्राइवर की तस्वीर सामने आई है। सड़क पर ट्रक खड़ा कर ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर में लोगों को बस न मिलने की वजह से उन्हें रिक्शे में सफर करने पर मजबूर कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ और आगरा में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया है। बता दें कि अभी हाल ही में देश में रोड एक्सीडेंट को लेकर नया हिट एंड रन कानून लागू हुए हैं, जिसमें एक्सीडेंट केस में 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माने का प्रावधान है, जिसको लेकर देश भर में और प्रदेश में ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर ने हल्ला बोल दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रदर्शन करने से यह कानून वापस लिए जाएंगे या फिर बात बस प्रदर्शन तक ही सीमित रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।